कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 28 जुलाई से बढ़ाकर 6 अगस्त तक कर दिया गया है और इस दौरान 1 अगस्त को होने वाली बकरीद और 3 अगस्त को होने वाली राखी के त्योहार पर भी असर पड़ेगा। आपको बता दें कि रायपुर में 28 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया था, लेकिन इसके साथ ही बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ के सारंगढ़, दंतेवाड़ा समेत राज्य के 15 जिलों में लॉकडाउन है। कुछ जिलों में दुकानें खुली रहने की छूट के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है और नियमों के उल्लंघन पर लोगों से जुर्माना भी वसूल रही है। कोरोना मामलों में सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर ही अव्वल है, वहीं 3 दिनों के अंदर 600 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी रायपुर को 6 अगस्त तक लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है, जिस दौरान आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही जो है वो काफी कम नजर आ रही है। इसके साथ ही कलेक्टर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें त्योहारों के चलते 2 दिनों तक के किराना दुकानों को खोला जाएगा। यदि इसके बाद किराना दुकानों को खोला जाता है या निर्धारित तिथि के बाद यदि किराना दुकानदार अपनी मनमानी करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम नजर आ रही है, जो आवश्यक काम है उसे ही लेकर लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई जारी है। सड़कों पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और हर आने जाने व्यक्ति से पुलिस के द्वारा जो है कुछ समय बाद पूछताछ भी की जाती है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।